नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सुहेब मियानूर और आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम लोग मुंबई के मलाड ईस्ट पठानवाड़ी इंदिरा नगर में यहां पर हम लोग मौजूद है और यहां पर मैं आपको बता दूं कि इंदिरा नगर से 46 साल के एक व्यक्ति जिनका नाम समीम शेख बताया जा रहा है, पिछले दो दिन से यानी कल सुबह 10 बजे से ये अपने घर से काम के लिए निकले थे, लेकिन काम पे ना पहुंचकर वो कहां गए उसका कोई ठिकाना या कोई आता पता नहीं है। आइए हम बात करेंगे सीधा उनके घर वाले हैं, क्या नाम है आपका साहब? मोहम्मद साबिर शेख। और साबिर शेख क्या कहेंगे, किस तरह से मिसिंग हुए, क्या वजह है कि क्यों मिसिंग हुए, क्या आपको कुछ अंदाजा है? सुबह जो है काम पे निकले थे, काम पे निकले थे वहाँ से, तो फिर पता चला काम पे गए, मगर वहाँ से फोन आया कि काम पे अभी नहीं पहुँचे, तो घर पे यही मालूम पड़ा है, फिर उसके बाद से अभी तक कुछ खबर नहीं है। तो मतलब कितने बजे घर से निकले थे काम के लिए, क्या हुआ था? सुबह 10 बजे। और आप लोगों को पता कब चला कि नहीं पहुँचे काम पे? पता चला था हम लोग को। और आप लोगों ने कहाँ कहाँ इंक्वायरी की है कुछ? इंक्वायरी तो नहीं की, हम सोचे इधर ही रोड पे होंगे कहीं पे, तो 12 बजे के बाद हम लोग इंक्वायरी किए, अपने रिश्तेदारों को भी फोन किए, हर जगह भी पता किए, तो कहीं से खबर तो अभी नहीं मिली हमको। अभी हमारे साथ में मौजूद है समीम भाई की लड़की, क्या नाम है आपका? समीरा शेख। और क्या आप कहना चाहोगे, आपके पिताजी जो पिछले दो दिन से घर पर नहीं लौटे हैं, तो क्या वजह रही होगी और आप क्या प्रशासन से क्या मांगे करना चाहोगे? वजह तो कुछ भी नहीं थी, बस वो काम के लिए निकले थे, और प्रशासन से तो मेरी यही इच्छा कि वो जल्दी से मेरे डैडी को कहीं से भी ढूंढ के मेरे घर पे लेके आ जाए बस। और मुंबई पुलिस से कुछ आप मांगे रखना चाहोगे? हाँ मांगे है ना मेरी, मेरे डैडी को कहीं से भी ढूंढ के लेके आ जाए बस सही सलामत, उनके ऊपर उम्मीद है हमको कि हम वो लाएंगे जरूर। मुंबई पुलिस का जो सराहना काम होता है, मुंबई पुलिस कहा जाता है कि मुंबई पुलिस वर्ल्ड की टॉप पुलिस है, और ढूंढ के भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। सर लगता है आपको कि मुंबई पुलिस ढूंढ के देंगी? हाँ उनके ऊपर उम्मीद है, वो जरूर ढूंढ के देंगी। ओके थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे साथ में मौजूद है उनके पड़ोसी, क्या नाम है आपका? रियाज अहमद। रियाज अहमद, क्या कहना चाहेंगे, आपके पड़ोसी समीम भाई जो पिछले दो दिन से कुछ घर पे नहीं लौटे हैं, मिसिंग है, तो क्या कहना चाहोगे और किस तरह से प्रशासन से मांग रखोगे? मांग यही है कि हम लोग दो दिन से भाग रहे हैं वहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है, तो इन लोग को ये सोचना चाहिए कि अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, अब तक के अगर कहीं का सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए होते तो उनका एग्जिट और एंट्रेंस कुछ तो साथ में मिल गया होता हम लोग को। नहीं बोलते हैं कि आसपास में कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, और कौन से लोकेशन में गए होंगे वो भी कैसे? तो ये लोग चेक कर सकते हैं ना, ये तो इनके हाथ में ही है, इतने सारे पोल लगे हुए हैं कैमराज के, कोई भी एक पोल से वो लोग उठा करके खाली 24 आवर्स के उनको चेक करने, एक बार चेक कर लेंगे तो पूरे फुटेज क्लियर हो गए, एक खाली एग्जिट मालूम पड़ जाएगा किधर गए थे, तो बाकी का तो पूरा लाइन खुद ब खुद। अच्छा हमारे साथ में और इनके, क्या नाम है आपका? शेख रियासत। आप क्या रखते हैं इनके? बेटा। अच्छा बेटे हो आप उनके, तो आपके पिताजी जब मिसिंग हुए तो किस तरह का माहौल रहा, क्यों, क्या वजह कुछ रही होगी? वजह कुछ भी नहीं थी, खाली एक टेंशन था उनको, वो भी टेंशन भी क्लियर हो गया था पूरा, फिर भी कहाँ चले गए क्या मालूम। आपको कैसे पता चला कि काम पे नहीं पहुँचे? उनके सेठ का फोन आया था 10:30 बजे कि डैडी काम पे नहीं आए, तो मैं भी इग्नोर कर दिया, बोला 10:30 बज रहा है तो काम पे नहीं पहुँचे तो 12 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो फिर उनके सेठ का फोन आया 12:30 बजे, फिर भी काम पे नहीं आए, तो मैंने इंक्वायरी किया यहाँ वहाँ उनके दोस्त को पूछा, तो कुछ भी पता नहीं चला। तो आपने कुछ पुलिस में कुछ कंप्लेंट वगैरह? हाँ मैंने पुलिस में कंप्लेंट किया है। कौन सा पुलिस चौकी? कुरार पुलिस चौकी। अच्छा क्या क्या लगता है आपको कि वो लोग कोई ढूंढ के आपको देंगे, क्या लगता है आपको? ढूंढ के देंगे लोग, बोला है सीनियर? सीनियर ने बोला है टेंशन मत लो, डैडी मिल जाएंगे तुम्हारे। और क्या प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहोगे कि आपके पिताजी जल्द से जल्द मिल जाए? मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि मेरे डैडी जहाँ भी दिखे प्लीज मेरे को कांटेक्ट करना, मैं अपना कांटेक्ट नंबर दिया हूँ, प्लीज मेरे को कांटेक्ट। आपका कांटेक्ट नंबर क्या बता दो? 9769807689। दूसरा नंबर है मेरा 9920361338, प्लीज कॉन्टेक्ट मी। तो देखा दर्शक मित्रों, ये थे 46 साल के समीम शेख जो मलाड पठानवाड़ी मलाड ईस्ट में रहते थे, और पिछले दो दिन से अपने घर से बिना बताए चले गए हैं, कहाँ गए हैं उसका किसी को अंदाजा नहीं है। उनका लड़का यहाँ पे रियासत जी, यहाँ पे आपने आपको बताया, उनका नंबर भी आपको बताया गया, इनसे तस्वीर में मैं आपको दिखाऊंगा कि
कौन है, क्या है उनका चेहरा, अगर पूरे मुंबई या मुंबई के आसपास या गुजरात या महाराष्ट्र या राजस्थान हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया, तो अगर कहीं पे भी अगर उनका कोई अता पता मिलता है तो हमारी चैनल से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारे चैनल के साथ साथ हमारी लिंक में जो हम आपको नंबर लिख के भेजे हैं, आप इस न्यूज के लिंक में आप पढ़ेंगे, उनका नंबर भी हमने मोबाइल नंबर ऐड किया हुआ है, साथ में कुरार पुलिस स्टेशन का भी नंबर हमने ऐड किया हुआ है। तो आपसे हम लोगों के चैनल के माध्यम से भी यही गुजारिश है कि आप लोग जैसे आप लोगों को कुछ भी जानकारी मिलती है तो कृपया इन नंबरों का तुरंत ही संपर्क करें। कैमरा पर्सन शाहनवाज कुरैशी के साथ सोएब नियानूर, फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज, मुंबई।